गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द साइंस ऑनलाइन क्लास वी आर डिस्कसिंग चैप्टर फोर हीट एंड टेम्परेचर टुडे आर टॉपिक इज सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज आज हम पढ़ेंगे कि ये जो दोनों ब्रीजेस हैं सी और लैंड ब्रीज वो क्या होते हैं कैसे फॉर्म होते हैं लेटस नाउ एक्सप्लोर सम कॉमन फॉर्म्स ऑफ कन्वेक्शन करंट यस्टरडे मैंने आपको बताया था जो वाटर का जो मूवमेंट होता है उसे कन्वेक्शन करंट कहते हैं आज हम देखेंगे उसके कुछ कॉमन फॉर्म्स हैव यू विजिटेड एनी कोस्टल एरिया कभी आप किसी कोस्टल एरिया में गए होंगे आपने देखा होगा वहाँ पर बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है काफ़ी सूथिंग सीबरीज होती है पूरे दिन भर वो वहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज़ न थिंग बट कन्वेक्शन करेंट ये जो सी ब्रिज पूरे दिन भर रहती है वहाँ पर कोस्टल एरियाज में वो कुछ और कुछ नहीं है वो सिर्फ एक तरीके का कन्वेक्शन करेंट का फॉर्म है ड्यूरिंग द डे टाइम द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर दैन द वाटर तो दिन के समय में ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है पानी थोड़ा देर से गर्म होता है ड्यूरिंग द डे टाइम इसमें क्या होता है द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर एंड द एयर अबव द लैंड तो जो लैंड जब गर्म हो रही है उसके ऊपर की एयर होती है वो गर्म होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा लाइटर हो जाती है एज अ रिजल्ट इट राइज अप फिर वो क्या करती है ऊपर जाती है राइज कर जाती है कूलर एयर फ्रॉम द सी फ्लोज टूवर्ड्स द लैंड टू फिल अप द वैक्यूम मीन्स इससे क्या होगा जो भी आपकी जो हॉट एयर राइजेस अप हुई है जो कूल cool एयर आपकी जो सी से फिल होकर आएगी लैंड की तरफ वो उसकी जगह ले लेगी ठीक है दिस हॉट एयर अप ऑन लूजिंग इट्स हीट ये जो हॉट एयर है ऊपर जाने के बाद अपनी हीट को लूज कर देती है काफ़ी हैवी हो जाती है अब वो आपकी सी की तरफ मूव करने लगेगी जिससे एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी आपकी इसी को हम कहते हैं सी ब्रीज तो हमने देखा किस तरीके से जो सी ब्रीज है वो आपकी डे टाइम में अकर कर रही है ठीक है अब मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ जो सी ब्रीज को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग सीधा डायग्राम इसमें देखिए डे टाइम है यहाँ पे ठीक है यहाँ पे कन्वेक्शन करंट किस तरीके से मूव कर रही है ठीक है आपकी जो हॉटर एयर है लैंड के ऊपर की वो राइजेस अप कर रही है और जो कोल्डर एयर होती है जो सी के ऊपर है वो आपकी लैंड की तरफ मूव करेगी ये एक साइकिल फॉर्म में होती है ठीक है इसी को कहते हैं हम सी ब्रीज सी बोथ द फॉर्म्स आप ध्यान से देखिए कि कोल्डर एयर किस साइड में है और हॉटर एयर किधर किस तरीके से वो अपनी डायरेक्शंस को चेंज कर रहे हैं ठीक है अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट ब्रीज की जिसका नाम है लैंड ब्रीज लैंड ब्रीज में बेटा इसका उल्टा होगा वो रात में होगी ड्यूरिंग नाइट द वॉटर कूल्स डाउन मच स्लोअर पानी जो है वो धीरे धीरे गर्म होगा रात को जो दिन भर गर्म रहा है ठीक है ज़मीन जो होती है जो रेत होती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है देयर फोर द एयर अबव द सी तो सी के ऊपर जो एयर होती है वो गर्म रहेगी ठीक है और लाइटर रहेगी देन द एयर अब द लैंड ठीक है एज अ रिजल्ट इट राइज अप तो जो सी के ऊपर जो एयर होती है वो बहुत गर्म होती है ठीक है वो राइजेस अप कर जाएगी और जो कूलर एयर जो आपकी लैंड की तरफ है वो स्टार्ट फ्लोइंग टर्ड द सी तो वहाँ की जो लैंड की जो कूलर एयर है वो आपकी सी की तरफ मूव करेगी जिससे क्या होगा एक लैंड ब्रीज डेवलप हो जाता है ठीक है उसमें आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से सी ब्रीज जो है आपका लैंड ब्रीज से डिफरेंट है डिफरेंट किस तरीके से है सी ब्रीज आपका डे टाइम में अगर कर रहा है लैंड ब्रीज आपका नाइट में अक्कर कर रहा है नाउ सी डायग्राम डायग्राम शोइंग द लैंड ब्रीज इसमें देखिए किस तरीके से आपका मून यहाँ पे देखिए मून है नाइट टाइम है, है यहाँ पे ठीक है हॉटर एयर ओवर द सी राइजेस अप कूलर एयर ओवर द लैंड मूव टूवर द सी नाइट टाइम में कन्वेक्शन करंट यहाँ पे वर्क कर रहा है क्योंकि ये कन्वेक्शन करंट के फॉर्म होते हैं चाहे वो सी ब्रीज हो आपके चाहे वो लैंड ब्रीज हो ठीक है अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की जिसका नाम है रेडिएशन अब हम देखेंगे कि रेडिएशन क्या होता है रेडिएशन मतलब

हीट को ट्रांसफर करने के लिए रेडी कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है दिस कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट कोई मीडियम हो या ना हो आपका रेडिएशन अकर हो जाएगा दिस इज द प्रोसेस बाई विच हीट फ्रॉम द सन रीचेज अस इस यही प्रोसेस है जिसकी वजह से सन से जो हीट होती है हमारी अर्थ तक पहुँच सकती है क्या बीच में कोई मीडियम है कोई मेटल या कोई समथिंग कोई वाटर कुछ ऐसा कोई मीडियम नहीं है ना ठीक है इस तो इसमें क्या होता है किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है ऑल हॉट ऑब्जेक्ट्स रेडिएट हीट जितने भी हॉट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हीट रेडिएट करते हैं जब भी आप पैन को रिमूव करते हैं फ्लेम से ठीक है उसको साइड में रखते हैं तो इट रेडिएट्स हीट एंड कूल डाउन फिर वो हीट रेडिएट हो जाती है धीरे धीरे पे आपका वो कूल cool डाउन हो जाता है ह्यूमन बॉडी है ऑल्सो रेडिएट हीट जब भी आप क्या करते हैं uh, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप गर्म करते हैं ठीक है चाहे वो आपका सॉलिड uh, हो लिक्विड हो या गैस हो अ पार्ट ऑफ इट गेट ऐब्जॉर्ब कुछ हिस्सा हीट का एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ आपका रिफ्लेक्ट हो जाता है रिमेनिंग पार्ट आपका ट्रांसमिट हो जाता है यही प्रोसेस है हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ़ द एब्जॉर्प्शन पार्ट तो जो टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर बढ़ता है वो आपका क्या करता है क्योंकि एब्जॉर्प्शन पार्ट की वजह से वो इंक्रीज हो रहा है ठीक है अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स ऑफ हीट कितना एबजॉर्प्शन होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो ऑब्जेक्ट है और जो सोर्स ऑफ लाइट है उसके बीच में डिस्टेंस कितना है डिस्टेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बेटा आपके एब्जॉर्पन के अमाउंट को आपके रेडिएट uh, करने के लिए आपका ट्रांसफ़र करने के लिए तो इसमें मैंने आपको ये समझाया था कि जितनी भी आपकी बॉडी होती है ठीक है सब में कहीं ना कहीं हीट रेडिएशन की पावर होती है चाहे वो आपका पैन का एग्जांपल हो फ्राई पैन ले लीजिए चाहे आपका हमारी बॉडी हो जब भी आप क्या कहते हैं गर्मी से आते हैं जब आप आराम से शेड में बैठते हैं कुछ समय के बाद आपकी बॉडी कूल डाउन हो जाती है क्योंकि हमारी बॉडी भी हीट को रेडिएट करती है क्यों क्योंकि कुछ जितनी भी हीट आप आ रही है ऊपर से ठीक है तो थोड़ी हीट एब्ज़ॉर्ब होती है <clears throat> थोड़ी रिफ्लेक्ट हो जाती है और थोड़ी कहीं ना कहीं बॉडी क्या कर लेती है उसको ट्रांसमिट कर लेती है ठीक है सो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट <clears throat> है वो इस तरीके से है कि प्लैनेट्स दैट आर नियर टू द सन आर हॉटर देन द अर्थ जो भी प्लैनेट्स सन के करीब होते हैं वो हॉटर होते, होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अर्थ एंड द वन देट आर फारदर आर कूलर जितने भी प्लेनिट्स दूरी पर होते हैं आपके सन के वो ठंडे होते हैं तो ये चीज़ हो गई नेक्स्ट है हमारी देर इज़ एनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट रेडिएशन रेडिएशन के बारे में एक अलग से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है द अमाउंट ऑफ हीट एंड ऑब्जेक्ट कैन एब्जॉर्ब बाई रेडिएशन ऑल्सो डिपेंड ऑन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी हीट रेडिएट होगी वो किसी ऑब्जेक्ट के कलर पे भी डिपेंड कर डिपेंड करता है ठीक है डार्क कलर के ऑब्जेक्ट होते हैं वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं एज कम्पेयर टू द लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट जितने भी लाइट कलर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कम हीट को रेडिएट करते हैं लेट एस कैरी आउट दिस सिंपल एक्टिविटी टू चेक दिस फैक्ट आप छोटी सी एक्टिविटी आप देखिए उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि डार्क कलर के जो ऑब्जेक्ट टेक टू आइडेंटिकल मेटल पेंस, दो पेंस ले लीजिए एक जैसे पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड अदर वाइट एक एक सरफेस को आप ब्लैक क्या कहते हैं कलर uh, कर लीजिए एक को आप वाइट टेक इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन बोथ दोनों में इक्वल अमाउंट का पानी ले लीजिए उसको आप सन के आप अंडर द सन रखिए आप कुछ समय के बाद देखेंगे नोट डाउन देयर टेम्परेचर आफ्टर टेन टू फिफ्टीन मिनट्स दोनों ही पानी का टेम्परेचर आप पंद्रह दस से पंद्रह मिनट के बाद जब आप चेक करेंगे वॉट डिड यू सी आप देखेंगे कि जो वाटर जो है आपका पेन में इक्वली हॉट हुआ है या नहीं हुआ है अगेन की बोथ द पेन्डर द शेड फॉर टेन टू फिफ्टीन मिनट्स नोट डाउन दअअ टेम्परेचर डज द टेम्परेचर फॉल बाई सेम अमाउंट फॉर द पेन तो आप देखेंगे कि जो ब्लैक वाले में जो है वो टे जो पेन जो है बाद में ठंडा होगा और जो आपका वाइट वाला जल्दी ठंडा हो जाएगा ये डायग्राम है इसमें आप देख सकते